नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक महीना पूर्ण हो जाने के बाद भी सरकार को ना तो पटवारियों की समस्या से कोई लेना देना है और न ही किसानों की समस्या से, जबकि किसानों के कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे गिरदावरी, धान उपार्जन, EWS, जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा इत्यादि लंबित पड़े हुए हैं। हड़ताल के 31वें दिन रीवा में कलेक्ट्रेट मुख्यालय के सामने रीवा जिले के सभी पटवारी धरना स्थल पर बैठे रहे। पटवारी संघ जिला रीवा की प्रवक्ता श्रीमती आकांक्षा सिंह द्वारा बताया गया कि शासन ने 26 सितंबर की कैबिनेट बैठक में पटवारियों को एग्रीस्टेक भत्ता 3000 रूपए देकर छलने का प्रयास किया गया, जबकि पटवारियों की मुख्य मांग 2800 ग्रेड पे को लेकर है। प्रवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि पटवारियों को 4000 रूपए अतिरिक्त भत्ता देने की बात कही गई थी, लेकिन कैबिनेट के आधिकारिक प्रतिवेदन में उस बिंदु का जिक्र नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार जनता एवं किसानों के प्रति भ्रामक प्रचार कर पटवारियों की न्यायोचित मांगों को दबाने का प्रयास कर रही है। धरनास्थल में जिले के सैकड़ों पटवारी उपस्थित रहे।